पूरे दिल्ली की जनता के घर घर के अंदर जो केजरीवाल घुसे हुए हैं कि अगर एक अच्छा शासन देना चाहते हो तो ये सिर्फ विपक्ष को अंदर करके दबाव की राजनीति करना कब तक जारी रखेंगे आप? मैं पूछ रहा था तो बीजेपी गवर्नमेंट से क्या दोबारा लोगों को गुलाम बनाने की रणनीति चलेगी क्या आपकी? और हम उम्मीद करते हैं कि बाहर आएंगे और हम उनको वोट से जिता के हमारा जो सहयोग हम उनको करेंगे। केजरीवाल जैसा विकास करना, हिंदुस्तान में 10 साल में अंतर्राष्ट्रीय पार्टी बन जाना कोई मामूली बात नहीं है। आज़ादी के बाद से आज तक एजेंसियों का इतना दुरुपयोग किसी पार्टी ने नहीं किया जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पूरे दिल्ली की जनता के घर घर के अंदर जो केजरीवाल घुसे हुए हैं, हर आदमी के पास वो पहुंचे हुए हैं, चाहे वो बिजली के थ्रू, पानी के थ्रू, महिलाओं की वो उसके थ्रू हैं, और भी जो काम कर रहे हैं कि ऑनलाइन सारी चीज़ें बन रही हैं। तो केजरीवाल को, और अभी आएंगे तो दोबारा 1000 रुपये हर महिला को देंगे, क्योंकि यह वाला लड्डू जो है ना देश को, ये केजरीवाल की शरण में जाके केजरीवाल के चेले हो गए हैं। MP में क्यों दे रहे हैं भैया 500 रुपये में सिलेंडर और 1000 रुपये लाडली बहना में दे रहे हैं? तो पूरे देश की महिलाएं पागल है क्या? यह लाडली नहीं है, केजरीवाल जी तो फिर भी दे रहे हैं। बाकी जहाँ भी इनकी सरकार है BJP की, वहाँ दो ना 1000 रुपये महिलाओं को, तो देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। 500 का सिलेंडर पूरे देश में मिल सकता है ना, जब MP में है और वहाँ पे राजस्थान में 500 में मिल रहा है तो बाकी जगह क्यों नहीं दे रहे? और शिक्षा के ऊपर जो केजरीवाल ने काम किया है, हॉस्पिटल के लिए, अच्छा बाहर के देश से कोई आया था वहाँ पे, पता नहीं कौन से देश से आए थे, स्कूल दिखाना था तो स्कूल केजरीवाल का दिखाया, तो गुजरात का स्कूल नहीं दिखाया। इतनी शर्म की बात है, तुम इतने साल से गुजरात में हो, यूपी में भी हो, तो यूपी का या गुजरात का स्कूल दिखाते ना। इनका कोई विजन नहीं है, कुछ नहीं है, देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लूट रहे हैं। फिर भी वो मोदी मोदी कर रहे हैं कि हाय मोदी हाय मोदी। मोदी ने कराई क्या है? लोगों की ऐसी की तैसी कर दी है और लुटी डुबेगी, आए तो केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल जी ही नहीं, बहुत सारे नेताओं की गिरफ्तारियाँ हुई जो विपक्ष में मौजूद रहे हैं। तो मैं ये मौजूदा सरकार से पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि अगर एक अच्छा शासन देना चाहते हो तो ये सिर्फ विपक्ष को अंदर करके दबाव की राजनीति करना कब तक जारी रखेंगे आप? मौजूदा जो सरकार है, जो BJP पार्टी के जो लीडर्स हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होना होती है? उनके ऊपर क्यों नहीं ED जाती है? उनके ऊपर CBI जांच क्यों नहीं करना चाहती है? तो ये बड़ा गंभीर विषय है कि एक तरफा कार्रवाई होना लोकतंत्र की हत्या को दर्शाता है। और जिस तरीके से केजरीवाल जी देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, देश के युवाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, देश की एजुकेशन को मजबूत करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिस तरीके से बहन बेटियों की मान सम्मान के लिए अपनी राजनीति को आगे ले जाना चाह रहे हैं वो, जिस तरीके से बेरोजगार युवाओं की जो दुर्दशा है उसको सुधारने के लिए उनका एक अथक प्रयास है, तो मैं मानता हूँ उनका संघर्ष जरूर एक दिन रंग लाएगा। रीज़न बिहाइंड द सीन यही है कि भाई आप उसको आपको पता है कि आपके एक करारा टक्कर देने वाले इंसान है ना। तो मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि भाई वो आज बंदा जेल में है, कोई बात नहीं मानती, लेकिन जो भी बंदा केजरीवाल सपोर्टर है वो ये बात जानता है कि चाहे वो जेल में रहे या बाहर रहे, लेकिन वो बंदा जब भी है चीता चीता ही होता है। मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि भाई बहुत अच्छा कैंडिडेट है, अगर आप चाहें तो, मतलब आपके बाकी तो सबका अपना अपना अधिकार है, कुछ भी करें, बट वो बंदा बहुत बढ़िया, जेन्युइन बंदा है। इंडिया में ओनली वन मैन, एक पहला चीफ मिनिस्टर ऐसा है जिसने जनता के लिए सोचा, देश की जनता के लिए सोचा, दिल्ली की पब्लिक के लिए सोचा। अगर इस जैसे नेता को एक बार को प्रधानमंत्री का चांस दे दिया है तो हमारा देश तरक्की कर सकता है, क्योंकि वो एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं वो केजरीवाल जी। इन्हीं के बेवकूफी हवाबाजी करना, रिलीजन पॉलिटिक्स करना, धर्म की राजनीति करना, ये नहीं आता उनको। उनको आता मेन मुद्दे पर बातें करना, संविधान के अकॉर्डिंग चलना। और जो BJP सरकार अभी करके आई रिसेंटली, संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, इनके नेता करते हैं, कभी इनका पर्सनल एडवाइजर करता है, तो बताइए मेरे को ये निकम्मी सरकार करना क्या चाहती है? लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, राजतंत्र लाना चाहती है, मनुस्मृति के आधार पर संविधान लागू करना चाहती है, क्या करना चाहती है? मैं पूछना चाहता हूँ BJP गवर्नमेंट से, क्या दोबारा लोगों को गुलाम बनाने की रणनीति चलेगी क्या आपकी? बस में आप देखिए फ्री बिजली दे रहे हैं और उसके बाद कोई कर्ज नहीं ले रहे हैं वो। आज अपन गुजरात की बात करें, गुजरात में 25 साल या जितने भी साल BJP को हुआ, उन्होंने 3 लाख करोड़ का कर्ज लिया, उसके बाद भी फ्री नहीं दे पा रहे हैं। और आप केजरीवाल जी की उपलब्धियाँ देख लिए, उन्होंने कोई पैसा 3000 करोड़ रुपये अभी तक आज इतने 10 सालों में उन्होंने मार्केट से उठाया है, और 3000 करोड़ के बदले में वो पब्लिक को कितनी सहायता दे रहे हैं, कितनी मदद कर रहे हैं वो देखिए आप। स्कूल देख लिए आप,
यहाँ के आप बसें देख लीजिए, बिजली देख लीजिए, पानी देख लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक देख लीजिए, हर चीज़ अगर फ्री मिल रही है और पैसा भी नहीं, हमको लोन पे नहीं लेना पड़ रहा है, तो इससे अच्छी उपलब्धि क्या हो सकती है किसी के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि बाहर आएंगे और हम उनको वोट से जिता के हमारा जो सहयोग हम उनको करेंगे। मंत्री कांग्रेस में थे, वो गलत हो गए, आप बीजेपी में आके सही हो जाते हैं, तो झूमते हैं साफ सारे, जाने कैसी बीन है, ना इनका कोई मान है, ना इनका कोई दीन है, जिसको भी देखो धूल के निकलता है, ये भाजपा सरकार की वॉशिंग मशीन है। ये 400 जो पार रख रहे ना, झूठ बोलते बोलते 400 को पार कोई जुमला रख रखे हैं। इनसे पुलवामा में 300 आरडीएक्स कहां से आया पता नहीं चल पाया अभी तक, लेकिन 400 पार जीतेंगे इनको पता चल गया, पता चल गया 400 पार कहां से जीतेंगे इनको पता चल गया, लेकिन पुलवामा में 300 आरडीएक्स कहां से आया इनको अभी तक नहीं पता चल पाया। केजरीवाल जी, देखिए केजरीवाल जी काम बहुत अच्छे किए हैं। केजरीवाल जी का एलजी जो है गवर्नर, वो काम करने को राजी नहीं, जो भी फाइल जाता है ये भेजते थे, वो सीधे दाब देकर आगे नहीं बढ़ाता। केजरीवाल जैसा विकास करना हिंदुस्तान में, 10 साल में अंतर्राष्ट्रीय पार्टी बन जाना कोई मामूली बात नहीं है। 50 साल से कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं बनी, मगर केजरीवाल साहब 10 साल में दिखा दिए कि हम हैं। भी राजनीति करे ना मोदी सरकार, पर उनका नहीं चलने वाला है, उसका सारा चतुराई पकड़ में आ गई है, सबके नजरों में जितना गिराना चाहता है ना उससे वो खुद गिर जाएंगे, देखना। दिल्ली में रहना है तो केजरीवाल ही रहेगा। आजादी के बाद से आज तक एजेंसियों का इतना दुरुपयोग किसी पार्टी ने नहीं किया जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और जिस तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर डाला गया और तमाम मंत्रियों पर शिकंजा कसा गया, ये बहुत ही गलत है। दिल्ली की जनता ने जन आंदोलन से, तंत्र मंत्र से लो, रामलीला मैदान से लो, दिल्ली के मुख्यमंत्री को 67 सीटों से जिताया, तो वही दिल्ली की जनता जेल से भी जिता सकती है। हर जरूरतमंद इंसान की रोटी कपड़ा मकान जरूरत होती है, वो उस जरूरतों को पूरा कर रहा है ना, तभी तो उसके खिलाफ, ये बताओ आप, जो इंसान जब अच्छा काम करता है ना तभी उसके पीछे डंडा पड़ता है, बुरा काम कर रहा होता है, भ्रष्टाचार होता है, कोई कुछ नहीं होता उसके पीछे। केजरीवाल को जनता जो है और ज्यादा बढ़ चढ़ के वोट देगी, उसको गिरफ्तार करने की और अरेस्ट करने की वजह से और सहानुभूति लोगों के दिलों में उसके लिए हो गई है, केजरीवाल के लिए। और वो काम भी अच्छा करता है, पानी फ्री दे रहा है, बिजली फ्री दे रहा है, स्कूल बना रहा है, शिक्षा दे रहा है, सारे काम अच्छे कर रहा है, लोगों सड़कें बना रहा है, क्या नाम है, और सब चीज़ अच्छी कर रहा है। मोहल्ला क्लिनिक खोल लिया उसने, क्या नाम है, जो उसके विधायक हैं और जो निगम पार्षद है वो भी अच्छा काम करते हैं, लोगों की सुनते हैं, लोगों की बात करते हैं। वो भी जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, ये सब पॉलिटिक्स है जो कि नहीं होनी चाहिए। आप ये बताइए ना, इलेक्शन नज़दीक हैं, उसी के आसपास ऐसा क्यों हुआ? उसी के आसपास ही आम आदमी पार्टी जो हैं, हमारे सीएम साहब, उनके ऊपर एलिगेशंस लगाया गया। रीज़न, क्योंकि मोदी जी को दिल्ली भी हासिल करनी है, तो वो गलत है। ये सब पॉलिटिशियन के दौरान हो रहा है, जो भी हो रहा है। तो मेरा कहना है कि आम आदमी पार्टी जिंदाबाद।